हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राफ्ट अटैक बाय प्रियंका। तो आज ये एल्युमिनियम की जो थाली है डेकोरेटिव, जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह की पैकिंग आती है त्योहारों पे, इसको वॉल प्लेट एज अ डेकोरेटिव प्लेट हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो इस पे मैंने दो ड्रिल से साइड्स में हॉल करवा रखे हैं ताकि इसको हैंग करना, अगर मैं वॉल पे हैंग करना चाहती हूँ तो मैं इजीली कर लूँ। अब फैब्रिक रील का मैंने एक्रिलिक कलर यूज़ किया है, इस पे वाइट पेंट करूँगी मैं। वाइट इसका बेस मैं वाइट रख रही हूँ। तो स्पॉन्ज की हेल्प से मैंने जो है इसके जो सेंटर पोर्शन है थाली का, वो मैं स्पॉन्ज की हेल्प से कर रही हूँ इस तरह से। स्पॉन्ज से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि जो अंदर का जो पैटर्न बना हुआ है, जो डिज़ाइन बना हुआ है थाली पे, आप देख सकते हैं कि वो डिज़ाइन पूरी तरह से छिपे ना, तो वो मैं छिपाने नहीं चाह रही, तो इसलिए मैं उसको लाइटली स्पॉन्ज की हेल्प से कर रही हूँ। और जो साइड्स हैं उसकी, उसको मैं ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से पेंट कर रही हूँ। आप उसको ब्रश से अच्छे से पूरा पेंट कर लीजिए और कवर कर लीजिए साइड्स को, क्योंकि वो स्पॉन्ज से नहीं हो पाएगी अच्छे से। उसको आप अच्छे से पेंट से ब्रश से कर लीजिए। और ये जब मेरी पूरी थाली जो कवर हो जाएगी, तो उसको थोड़ी देर लगेगी सूखने के लिए, तो आप उसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दीजिए। और सूखने के बाद जो है ये थाली एकदम हमारे आगे के काम के लिए तैयार हो जाती है, हमारे पेंटिंग वर्क के लिए। ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसके लिए आगे लूँगी फेविकल की 3D आउटलाइनर, जो कि ब्लैक कलर में है। तो इसको, जो इसका पैटर्न बना हुआ है थाली पे पहले से ही, मैं उसके ऊपर ही आउटलाइनिंग करूँगी पहले इसके साथ। तो वो मैं शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, इस तरह से जो पैटर्न बना हुआ है, मैं उसी पर ही आउटलाइन करती जाऊँगी और पैटर्न को जो है पूरा आउटलाइनर की हेल्प से तैयार कर लूँगी। अंदर की फिलिंग अभी नहीं कर रही, सिर्फ आउटलाइनिंग ही कर रही हूँ। तो पहले, सबसे पहले तो आउटलाइनिंग ही करूँगी इसकी। देखिए, इस तरह से पूरी आउटलाइनिंग कर ली है मैंने ब्लैक कलर में। अब आउटलाइनिंग पूरी होने के बाद मैंने ग्रीन पेंट लिया है, जिसको अंदर मैं फिलिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो ये जो ग्रीन पेंट है, जो इसके अंदर छोटी छोटी पत्तियाँ बनी हुई हैं, छोटी छोटी लीव्स बनी हुई हैं, मैं उनमें ग्रीन कलर की फिलिंग कर रही हूँ। अब वाइट कलर के ऊपर सारे ही रंग बहुत सुंदर दिखते हैं, तो आप अगर बेस वाइट चूज़ कर रहे हैं तो आप ब्राइट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे दिखेंगे। और अगर आपकी वॉल लाइट कलर शेड की हैं, तो आप डार्क चाहते हैं, तो आप बेस थोड़ा डार्क भी रख सकते हैं। देखिए, ये ग्रीन कलर की मैंने लीव्स इस तरह से पेंट कर ली थी। अब मैंने अंदर जो बेल है उसको फिलिंग देने के लिए मैंने येलो कलर यूज़ किया है। तो अब उसमें जो है येलो कलर की मैंने इस तरह से फिलिंग दे दी। जब ये पूरा ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था फिलिंग से, अब जो अंदर डॉट्स बने हुए हैं उनको पैटर्न में मैंने रेड, ब्लू और पिंक कलर की डॉट्स बनाई हैं, यूज़ की हैं। ये मैंने पिंक कलर की भी यूज़ किया है, इस पिंक का यूज़ किया है आउटलाइन के लिए, सॉरी डॉट्स के लिए। इस तरह से मैंने ये पूरा जो है पैटर्न उसको फिलिंग दी। अब फ्लावर्स में मैंने रेड, ब्लू और पिंक कलर चूज़ किया है। इस तरह से रेड, ब्लू और पिंक कलर से मैंने पूरी फ्लावर्स की फिलिंग कर दी, जो कि बहुत ही सुंदर जो है डिज़ाइन जो है बन के उभर रहा था। ये देखिए, पूरा तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन उभर के आया। अब मैंने डोरी और ये टू बीड्स लिए हैं, इसको हैंग करने के लिए
करने के ये बीड में मैंने नोट लगाया ताकि बीड वहाँ पे टिक जाए, और इस तरह से जो मैंने ड्रिल से होल्स करवाए थे उसमें मैंने पीछे हैंग करने के लिए दोनों तरफ बीड लगा के उनको लॉक कर दिया नोट से, और ये पीछे इस तरह से दिख रहा था। आप चाहें तो इसको वॉल पे हैंग कर सकते हैं या एज ए डेकोरेटिव पीस आप अपने किसी कॉर्नर पर इसको सजा सकते हैं।